आपने पीएम मोदी का ये वीडियो दो दिन से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वो भी तब जब यूपी में चार चरणों का मतदान बाकी हो और नेता रोज राजनीतिक मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। कभी कभी तो जुबानी जंग इतनी तीखी हो जाती है कि मर्यादाएं तक टूटती सी नजर आने लगती हैं। लेकिन इस बीच रविवार को यूपी के उन्नाव में राजनीतिक मंच पर एक अलग नजारा दिखा जो वाकई दिल को छूने वाला था। अब आइए आपको बताते हैं इस वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी। दरअसल रविवार को उन्नाव जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा कर बीजेपी के लिए वोट मांगा। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उन्नाव बीजेपी के जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार ने उन्हें भगवान राम की प्रतिमा भेंट की और उनके पैर छुए। इस पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को फौरन टोका और उनके पैर छुए। इस दौरान कहा गया कि संगठन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोपरि माना और जिला अध्यक्ष के पैर छुए। ये भी चर्चा है कि जिन्होंने राम दरबार दिया है उससे पैर छुआने नहीं बल्कि उसके पैर छूने चाहिए। इस वीडियो को बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास हो, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी को जब रघुवर की प्रतिमा भेंट की गई, तो उन्होंने देने वाले के चरण स्पर्श कर आभार जताया। इधर इस वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग भी जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लोगों को इस प्रकार के सम्मान देने की कई प्रसंग पहले भी सामने आए हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी की कांथी में चुनावी रैली के दौरान मंच पर जब एक बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने आया तो पीएम ने भी उसके ऐसे ही पैर छू लिए थे। इस वाकई को लेकर उन्नाव बीजेपी जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार का कहना है कि मेरे पैर छूने पर प्रधानमंत्री जी ने मुझे पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा कि सबसे बड़ा संगठन होता है और इसमें सभी सम्मानीय होते हैं, इसीलिए पैर छूना कतई ठीक नहीं है। इतना कहते हुए वे जनता का अभिवादन करने के लिए धरती माँ की ओर झुके और मैं साथ। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।